ये 2.5 किलो के चार, 5 किलो के चार प्लेट एंड 10 किलो के दो प्लेट, एक कर्लिंग वाला रॉड, एक स्ट्रेट रॉड एंड ये डंबल्स अपना बाइसेप मारने के लिए सिंगल बाय सिंगल। तो ऐसी पैंट देख के आप लोगों को क्या समझ रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ कि ये पैंट इतनी गंदी कैसे हो गई अपने भाई पहचान भाई। ये 60-70 किलो का सामान है, सारा सामान 60-70 किलो का सामान। तो ये सामान आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि भाई इसके अंदर क्या है। तो जैसे कि मैं लास्ट व्लॉग में बोला था कि जिम जाने टाइम नहीं मिलता, बहुत दिनों सोच रहा हूँ कि जिम ज्वाइन करूँ, बट जिम ज्वाइन करने बोलते ना कोई ऐसा मुहूर्त नहीं निकल रहा था, तो सोचा कि भाई सारा जिम का इक्विपमेंट घर पे मंगा ले। तो नायका पे एक ऑफर चालू थी, 10-11 हजार का सामान है ना 2000 में मिल रहा था, तो वो अपन ऑर्डर किए थे कुछ 1-2 हफ्ते पहले, वो 3-4 दिन में डिलीवर हो जाना चाहिए था बट 4-5 दिन लेट हो गया। तो आज हम लोग जाके तो जोगेश्वरी ईस्ट के यार्ड में जाके हम लोग ने सामान खुद लेके आए 60-70 किलो का बाइक पे रख के। तो ये लेके आते आते हमारे बोलते ना हवा निकल गया भाई, 60-70 किलो है, छोटी चीज नहीं है। तो ये देखो ना, हाथ तो आप देख ही सकते हो और मेरा भी कपड़ा एकदम गंदा हो गया, तो हम लोग कैसे तैसे उठा के लेके आए बिकॉज बहुत ज़्यादा ही हैवी है। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड इसके बाद आज इसका वर्कआउट करेंगे, क्योंकि वर्कआउट करने के लिए आज भाई महारथी आए हमारे। देखो ये भाई को बॉडी बनानी है, तो भाई ने ये सामान ऑर्डर करने को ना मुझे फोर्स किया। वैसे मुझे पता नहीं हम लोग घर में कितना वर्कआउट करेंगे, बट करेंगे, मैं तो करूंगा, इसका नहीं पता, मैं तो करूंगा। मैंने कल से स्टार्ट कर दिया भाई वर्कआउट करने, तो अभी चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। ओ भाई साहब, अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। कौन से गोनी में भेज दिया भाई सामान? मैं एक्चुअली ये ऑर्डर नहीं करने वाला था, बट नायका पे अपन को भरोसा है इसलिए अपन नायका से किया ऑर्डर। अमेजोन पे अपन को भरोसा है, अमेजोन के प्रोडक्ट बहुत थोड़े फेक निकलते हैं, अमेजोन से मैं कुछ ज्यादा जल्दी ऑर्डर नहीं करता हूँ। बहुत काफी सस्ता है, 2000 मतलब कुछ भी नहीं है भाई, 10 हजार का सामान 2000 में। तो ये प्लेट है वो पूरा रबड़ का एंड लोखंड का नहीं है, ये इसके अंदर है ना, ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर शायद वो जू वाला मिट्टी या रेती वेती ऐसा कुछ भरा रहेगा, पर ठीक है घर में वर्कआउट करने के लिए अच्छा है। वैसे क्वालिटी तो मुझे अच्छी लग रही है। तुम भाई लोग कह रही है ऊपर दौड़ा। ये 2.5 किलो के चार, 5 किलो के चार प्लेट एंड 10 किलो के दो प्लेट, एक कर्लिंग वाला रॉड, एक स्ट्रेट रॉड एंड ये डंबल्स अपना बाइसेप मारने के लिए सिंगल बाय सिंगल। ये दो फाइबर के दो, ये स्टील नहीं है, ये फाइबर है पूरा, उस पे चोटा ही जाएगा, डांडा खेलने के लिए काम आएगा ये भी। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो 2000 में वर्थ है, 2000 में ऑफकोर्स आप लाइक एकदम प्रॉपर मेटल के प्लेट्स तो ये नहीं कर सकते, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर मिट्टी भर के ये जो वेट्स बनाए हुए एंड एकदम मस्त वेट है भाई, टेंशन नहीं, घर पे वर्कआउट कर सकते हो आप, बस ज़्यादा इसको पटक नहीं सकते, अगर पटके के इसको ज़्यादा तो ये फूट जाएंगे एंड इसके अंदर की मिट्टी बाहर आ जाएगी। तो अगर आप लोग कम बजट में अगर चाहते हो तो ये आप खरीद सकते हो, बट अगर लॉन्ग टाइम चाहिए आपको, अगर आपको 10 साल यूज़ करने हैं तो आप ये वेट्स ऑर्डर नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक दो तीन साल में ख़राब हो जाएगी। आई मीन अगर आपके यूज़ करने के ऊपर आप ज़्यादा पटकोगे तो ज़्यादा फट जाएगा, तो प्रेशर नहीं आएगा, तो इससे तू वर्कआउट कर सकता है। ओके सो हो गया है जिम का सेटअप घर पे, एकदम प्रॉपर सेटअप हो गया है। आई मीन अभी टेंशन नहीं है भाई घर में वर्कआउट करेंगे, बिकॉज जिम जाने ना बहुत ज्यादा कंटा आ रहा था। तो ये पूरा सेटअप हम लोग को सिर्फ 2000 में मिला है, तो उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज काफी लोगों को घर पे जिम सेटअप करने का लाइक बोलते ना शौक होता है बट जगह नहीं हो पाती घर में। तो एनीवेज ये छोटा सा सेटअप है 50 kg का, वो 2000 में मुझे मिला है। तुम लोग भी अगर चाहे तो तुम लोग सेटअप कर सकते हो घर में, लाइक बेसिक वर्कआउट आप कर सकते हो, एकदम एंट्री लेवल का वर्कआउट नहीं होगा बट बेसिक वर्कआउट आप कर ही सकते हो। अभी अपन को जाना है मूवी देखने, बिकॉज आज अपन को कोई शूट नहीं है, तो सोचा कि आज अपना खुद के लिए टाइम देंगे। दृश्यम मूवी का काफी हाइप सुना है एंड मैं फ्लॉप मूवी आया, कोई भी मूवी देखने में जल्दी जाता नहीं थिएटर में, जो मूवी का ज्यादा हाइप मिलता है ना वही मूवीज में थिएटर में देखता हूँ। तो आज जा रहा है भाई फाइनली बहुत दिनों के बाद मूवी देखने, काफी लोग तारीफ करे तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा, अजय देवगन का मूवी है। वैसे मुझे मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है,
लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मूवी देखना, तभी मैं थोड़ा बहुत चीजें सीखने मिलती है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आजकल देख रहा हूँ भाई थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है, मैं अभी बाहर है बिल्डिंग के नीचे आया तो भाई ठंड लगने लगी, तो थोड़ा थोड़ा ठंड चालू हो गया तो अच्छा लग रहा है। 150 रुपये का टिकट निकाल के आए हैं भाई, 150 रुपये का टिकट निकाल के ये 390 का पॉपकॉर्न कौन खाएगा भाई। मेरे लिए मेरी फैमिली वो दुनिया है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर कोई चाहे मुझे मतलब ही कहे या खुद कर्ज। सो फाइनली मूवी देखने के बाद हम लोग घर पे आए, तो घर पे आने के बाद में डायरेक्टली लामलेट हो गया, नींद आ गई मेरे को, बहुत ज्यादा नींद आई थी तो मैं डायरेक्ट आके सो गया, तो मैं डायरेक्टली आके सो गया। एंड मूवी की स्टार्टिंग एंडिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मूवी के अंदर सस्पेंस एकदम बोलते हैं स्टार्ट टू एंड उन्होंने सस्पेंस रखा हुआ है, इसलिए मूवी इतनी हिट गई है। एंड शूट तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल किया ही है। बाकी तो मुझे मूवी की बात पसंद है, तो मेन सस्पेंस जो गेम खेला है उन्होंने वो बहुत नेक्स्ट लेवल का गेम खेला भाई, सस्पेंस। तो मूवी में अगर सस्पेंस रहेगा तो मूवी देखने मजा आता है, तो ये मैंने देख लिया, तो मुझे भी पसंद आ गई मूवी। मैंने फर्स्ट एपिसोड तो देखा नहीं है बट सेकंड मुझे पसंद आ गई।